ये तस्वीरें हमारे भारत की असलियत बयां करती हैं। गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखते हुए कानपुर में हर धर्म और समुदाय के लोगों ने स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा यात्रा निकाली। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, यजीदी, पारसी, पादरी, सिख और जैन सभी लोग मिल करके हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं पूरी दुनिया के लोगों को कि हम लोग इस प्रकार से अगर देख रहेंगे तो हम दुनिया का कर सकते हैं। शांति, सौहार्द, प्रेम, परस्पर की अगर बात करते हैं तो हमें ऐसे काम करने होंगे। केवल बड़े बड़े मंचों से और माइक पकड़ के केवल हम लोग भाषण करते हैं तो मेरे ख्याल से वो शांति स्थापित नहीं हो पाएगी। कानपुर के बड़े चौराहे से शुरू हुई ये तिरंगा यात्रा फूलबाग मैदान पर जाकर खत्म हुई। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए काजी साहब ने इसे देश की एक जरूरत बताया। जिलों में और कस्बात में इस पर रैली निकाल रहे हैं कि हम अपने बुजुर्गों की उन मेहनतों को जाया नहीं होने देंगे। एक थे, एक हैं, एक रहेंगे, मुल्क को बचाएंगे। जो ताकतें मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं हम उनको पैगाम देना चाहते हैं। मुल्क हमारा है, हम सबका है, मोहब्बत मुल्क की ताकत है। हम मुल्क को न कमजोर होने देंगे न बर्बाद होने देंगे। इन तस्वीरों को देखकर हमें यकीन है कि देश के नागरिक देश के सौहार्द को महफूज रखने के लिए एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। आशीष, नवोदय टाइम्स, कानपुर।